एक एक जलसे के बाद 3,000 FIR कटती हैं। मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर जलसे पर जितनी FIR कटी उन्हें गले का हार बना लें। नायब सदर नून लीग का अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को पैगाम, कहा 8 दिसंबर को आर या पार होगा, बड़े बड़े ऐलानात होंगे। पाकिस्तान के अवाम जंग जीत चुके, 13 दिसंबर के जलसे में ऐलान होना बाकी है। लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। मरियम नवाज कहती हैं दोस्तों को नवाजने के लिए LNG देर से मंगवाई गई। पाकिस्तानी अवाम का 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ, रोटी 30 रुपए की हो गई तो एक घर कैसे गुजारा करेगा। इमरान खान सब्स पासपोर्ट की इज्जत का दावा करते थे, हमारी तो बैरून मुल्क परवाजें भी बंद हो गईं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में असम्बलियों से इस्तीफे देने पर इत्तेफाक। 24 न्यूज PTM की बड़ी खबर सामने ले आया। सदर नून लीग ने इस्तीफों की तजवीज 8 दिसंबर के इजलास में पेश करने का कह दिया, जेल जाने से पहले मजीद अहम हिदायत भी दी। उधर पीपल्स पार्टी भी इस्तीफों के लिए तैयार हो गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आखिरी गुफ्तगू में इस्तीफों पर बात हुई। सिंध असम्बली से इस्तीफों का फैसला जरदारी और बिलावल की मुलाकात में तय होगा। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की सोच अलग अलग है। PTM का अलायंस बचाओ की कोशिश है। ओपोजिशन 8 दिसंबर के इजलास में इस्तीफे दे, ओपोजिशन को जलसों से नहीं रोका। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, सेनेटर फैसल जावेद बोले असम्बली से इस्तीफों की बात लतीफा है, ओपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी, अगर इस्तीफे आ गए तो इलेक्शन करा देंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला नैब पर बरस पड़े, कहते हैं क्या एहतसाब के लिए सिर्फ सियासतदान ही रह गए, अब सिर्फ नैब का एहतसाब होगा, नैब कवानीन में तरामीम लाएंगे, हम बताएंगे नैब की हिरासत में मुलजिम कैसे जाँ बहक हुए, नैब को दुनिया में ब्लैकलिस्ट कराएंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, हाफिज ताहिर अशरफी की चौधरी बरादरान से मुलाकात, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक कोर कमांडर रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहसिन कमाल कोरोना के बाद इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मोहसिन कमाल की वफात पर रंजो गम का इजहार। फैसलाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के 2,500 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वर्कर्स कन्वेंशन के मुंतजमीन भी नामजद, ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। महंगाई ने अवाम की तौबा तौबा करा दी, कराची में सब्जियों की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, अदरक की कीमत 600 रुपए किलो हो गई, हरी मिर्च 250, टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में महंगाई का तूफान, सब्जियों की कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। पिशावर में BRT बस प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेजाबतगियों की निशानदही, डिजाइन की तब्दीली के बाद 17 अरब का इजाफा हुआ, लागत 49 अरब से बढ़कर 66 अरब हो गई। आला अफसरों ने 1,77,00,000 की इजाफी तनख्वाह वसूल की। PC1 के 143 मुलाजमीन समेत कई अफराद को ओहदों पर नवाजा गया, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा। कराची में सिंधी सकाफत के रंग, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम, अंदरूनी सिंध के कई शहरों में रैलियां। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध कल्चर डे पर पैगाम, कहते हैं आज का दिन अजीम सकाफत और तहजीब के वारिस और अमीन नौजवानों का दिन है। लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी बढ़ गई, इंडेक्स 400 तक जाने का इम्कान, कराची की फजा भी आलूदा। कराची में दिसंबर के महीने में भी गर्मी, कम से कम पारा 17.5 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, हवा में नमी का तनासुब 30% हो गया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज, हुमायूं सईद, सुहेल अहमद, अनवर मकसूद से मुलाकातों के खुसूसी सेशंस, 7 किताबों की रूनुमाई। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश सज गई, हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार, नुमाइश का बाजाब्ता इफ्तिताह कल किया जाएगा।